Hello everyone. Now it should be audible. now it should be audible. It should be audible. Please let me know guys that I'm audible or not. okay, am I audible? Please let me know all of you Hello, everyone. yeah it's it's great. It's great guys. We are back and uh, this is really <laughs> great. Okay, 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 okay. Finally, we are back. Okay, okay. Since we are back, let's start. All of you, please give a thumbs up so that we can start. And. Uh, फाइन सो दिस इज़ आर डेली करंट अफेयर क्लास डेली हम इसमें करंट अफेयर्स लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पेपर्स हैं वी कवर ऑल दो इम्पॉटेंट न्यूज़ पेपर्स हियर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस हिंदू एट्सेट्रा एंड दिस इज अबाउट एन अकेडमिक प्लेटफॉर्म विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको आई ए एस की प्रपरेशन के लिए टॉप एजुकेटर्स uh, मिल जाते हैं ग्रेट सो यू कैन

Let like me just... चलिए यहाँ पे बात करते हैं पेपर टू से रिलेटेड है आप इसको पेपर थ्री से भी रिलेट कर सकते हैं दिस इज अबाउट दैट पॉपुलेशन ओके अब पॉपुलेशन पे इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है दैट इज फ्रॉम द देंट जनरल एक पूरे वर्ल्ड uh, के अंदर काफी रेप्यूटेटेड जो है uh, इस तरह का पब्लिकेशन है सो दिस लेंसेट स्टडी इज देयर एंड इट टॉक्स अबाउट कि इंडिया का जो प्रोजेक्शन है पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज होगा मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कब होगी और किस तरह से हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा तो ये जो लेंसेट की जो स्टडी है ये पूरा पॉपुलेशन के बारे में काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है एंड दिस इज अली लेट मी टेल यू अबाउट दिस लैंड पब्लिकेशन तो यहाँ पे uh, जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो हम देखेंगे इंडिया का जो पॉपुलेशन से रिलेटेड इशू है उसको हम देखेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विल सी द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एन पी आर एन आर सी इसको एक बार मैं ब्रीफ में आपका पिक्चर क्लियर कर दूंगा गेटिंग इट सो वॉट इज हैिंग एज यू नो कि इंडिया uh, की जो पॉपुलेशन है अभी अराउंड 135 करोड़ से ऊपर चली गई है अराउंड 138 करोड़ एंड समथिंग तो अभी हम एक करोड़ लोग हैं एंड ये जो नंबर है ये आपका इंक्रीज होगा और इट इज गोइंग टू बी रीच्ड अराउंड वन प्लस 160 करोड़ से भी ज्यादा हम हो जाएंगे ओके इन द मिड ऑफ दिस ट्वेंटी फर्ट ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के मिड में 160 करोड़ से ऊपर हमारी जो है पॉपुलेशन पहुंच जाएगी तो यहां तक ये यह जो लें की स्टडी है और जो यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है वो दोनों सेम है uh, इसके आसपास का ही फिगर बता रहे हैं लेकिन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी मतलब दो के बाद में दो के बाद में थोड़ा सा यहां पे चेंज होता है फाइन फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी टेल्यू यू एन प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन होगी एक करोड़ फाइन बाई uh, 2050 फिफ्टी एंड uh, ये जो लेंथ वाली स्टडी है ये कह रही है 161 करोड़ ओके okay? तो आसपास ही है दोनों अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो सेकंड हाफ है ओके सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी मतलब 2050 के बाद में है तो 2050 के बाद दोनों के प्रोजेक्शन अलग हो रहे हैं क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है वो कह रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 145 करोड़ रहेगी ओके okay, 145 करोड़ अभी हम 135 थर्टी फाइव हैं तो ट्वेंटी वन हंड्रेड जो है एट द एंड ऑफ दिस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जब ये एंड हो रहा होगा हम 145 करोड़ के आसपास होंगे वहीं ये जो लेंसेट वाली स्टडी है इसने काफ़ी uh, जो है सरप्राइजिंग क्लेम किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन वुड भी अराउंड एक करोड़ इसके आसपास होगी तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है यहाँ पर 1.09 बिलियन या आप 110 करोड़ के आसपास कह सकते तो इस कंटेक्स में आ, जो है आ, इस कंटेक्स में हम इसको पूरा स्टडी करते हैं कि क्यों अभी हम 135 करोड़ हैं तो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन होगी अराउंड 2050 पे 2050 पे हमारी इस तरह से मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी दीज आर द प्रोजेक्शन ओके ये 2011 की हमारी है 121 करोड़ के आसपास अभी हम 138 करोड़ पे आ गए हैं 2025 मतलब अभी जो 21 वाली जो सेंसस होगी वहाँ पे देखते हैं कितनी पॉपुलेशन रहती है एंड दिस इज गोइंग टू गो अप एंड अप सो अराउंड टू टू थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड फिफ्टी के अराउंड हम जो है इस तरह से मैक्सिमम पॉपुलेशन देखेंगे उसके बाद पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी इंडिया की क्यों डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी क्या रीजन है तो इसके पीछे जो पूरा सिनेरियो है रिलेटेड टू टोटल आपका जो फर्टिलिटी रेट है व्हाट टी एफ आर आपकी जो फर्टिलिटी रेट है उसकी हम बात कर रहे हैं तो फर्टिलिटी uh, रेट मतलब क्या होगा टी एफ आर इज देयर जिसको आपका टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है दैट इज द फर्टिलिटी रेट डी एफ आर का मतलब होता है कि जो वुमन है वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने चिल्ड्रन जो है बियर कर रही हैं ओके okay? कितने चिल्ड्रन वो इस तरह से बियर करती हैं उनको कहते हैं कि आ, आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या है तो जनरली अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्टिलिटी रेट दे हैज बीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड अगर हम नाइनटीन फिफ्टी के आसपास उन्नीस सौ पचास ओके वेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस उसके आसपास हम बात करें तो ये जो आपका फर्टिलिटी रेट था दैट वॉज अराउंड सम वेर अराउंड दैट फाइव पॉइंट नाइन ओके फाइव पॉइंट नाइन इन द नाइनटीन सिक्सटी गेटिंग इट एंड नाइनटीन सिक्सटी में हमारा फाइव पॉइंट नाइन था मतलब अराउंड uh, सिक्स एक, एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो वुमन है वो uh, छः uh, जो चिल्ड्रन है सिक्स जो, जो चाइल्ड हैं उनको इस तरह से बी एड कर रही हैं और 1980s की अगर हम बात करते हैं तो ये 4.9 पे हो जाता है और अभी जो है एट प्रेजेंट दैट इज अराउंड 2.2 ओके दैट इज अराउंड 2.2 तो जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है ये अभी एट प्रेजेंट कितना है दिस इज 2.2 पॉइंट ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल पे मतलब रिप्लेसमेंट uh, लेवल इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि प्रेजेंट में 2.2 है दैट इज ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल पे है रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि आपके जितने इंडिविजुअल हैं उतने ही वो रिप्रोडक्शन के थ्रू और प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जनरली दो इंडिविजुअल होते हैं तो उनके अगर दो ही बेबी रहेंगे ठीक है ना दो बच्चे होते हैं तो वो रिप्लेसमेंट लेवल पे नहीं आएगा क्यों क्योंकि डेथ रेट भी वहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर जाता है ऑलमोस्ट टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट टू को हम कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल है या उससे नीचे ही मानिए रिप्लेसमेंटमेंट लेवल से थोड़ा सा तो यहां पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट टू पॉइंट टू है और ये आने वाले टाइम में जो है वन पॉइंट टू नाइन पे चला जाएगा ओके वन पॉइंट टू नाइन पे चला जाएगा दिज आर सम समेक्शन वन पॉइंट टू नाइन पे चला जाएगा मतलब दो इंडिविजुअल हैं तो उनके जो ओके okay, वहां से जो ऑफ स्प्रिंग है दैट वुड बी लेस देन टू सो इन दैट केस वी वुड बी सींग द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ये यहाँ से आपको डिक्लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा फाइन अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है ये देखने वाली बात है कि किस वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यू कह रहा है कि हम ट्वेंटी सेंचुरी के एंड में भी वन करोड़ रहेंगे और ये स्टडी कह रही है आपका वन करोड़ रहेंगे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आपका ओके द प्रेजेंट गवर्नमेंट इफ यू सी द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स मैनिफेस्टो यू विल सी लाइक सो मेनी थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक इशू इज देयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड राम मंदिर एक्सेट्रा सो so, अभी जो बात हो रही है दैट इज द होल फोकस ऑफ दिस पॉलिसी मेकिंग इज मूविंग टुआर्ड्स द पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ बात हो रही है फाइन पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इससे रिलेटेड एक बिल भी आपका पड़ा है वन बिल इज देअर पेंडिंग इन द लोकसभा राज्यसभा एक्चुअली तो वहां पर उसकी भी हम बात करेंगे तो उस कंटेक्स में पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड इस चीज में आपको टोटल फर्टिलिटी रेट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है तो नाइनटीन में जो थे अराउंड सिक्स थी हमारी टी अभी जो है 2.2 पे आ गई है और ये और डिक्रीज होकर जो एवरेज इंडियन वूमन विल हैव 1.29 पॉइंट टू नाइन चिल्ड्रन मतलब लेस देन टू चिल्ड्रन इंडियन वुमन विल बी हैविंग लेस देन टू चिल्ड्रन राइट नाउ द इंडियन वुमन हैविंग 2.2 पॉइंट टू चिल्ड्रन एवरेज अगर हम बात करें that was around 5.9 almost 6 that was around 6 during 1960s it has come down to 2.2 and it will further come down to 1.29 that's why our population the india will see a decline in the population but that is uh, very far okay both uh, time have used so definitely we should be doing few things टू कंट्रोल द पॉपुलेशन क्योंकि जितना भी हम एफर्ट लगा रहे हैं पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि वो रिसोर्सेज आपके कम पड़ जाते हैं एंड सिंस रिसोर्सेज आर स्कॉर्स रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड इन फाइनाइट नहीं है दैट्स वाई वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज तो ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात ठीक है ना और टी एफ आर की बात अब हम बात करते हैं सिंस ईच वुमन मस्ट हैव टू चिल्ड्रन टू रिप्लेस हर सेल्फ एंड हर हसबैंड दिस विल रिजल्ट इन अ शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन तो ये 1.29 जब हम पहुंचेंगे तो डेफिनेटली पहुंचेगा इंडिया लेकिन काफी टाइम लग जाएगा अब ये जो क्वेश्चन uh, आता है कि इंडिया की जो टी एफ आर थी कि एक वुमन जो है ओके वन वन इंडियन मूवल वन इंडियन वुमन वाज हैविंग अराउंड सिक्स चिल्ड्रन ओके वाज हैविंग अराउंड सिक्स चिल्ड्रन ड्यूरिंग नाइनटीन सिक्सटीज सो वट वाज द रीजन कि ये टू पॉइंट टू पे आ गया क्या ऐसा रीजन था कि ये टू पॉइंट टू पे आ गया तो यहाँ पे दो तीन फैक्टर काम कर रहे हैं फर्स्ट फैक्टर डेफिनेटली इज दैट फैमिली प्लानिंग इंडिया की जो फैमिली प्लानिंग चलाई गई एक आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम संजय गांधी वॉज देयर। ओके सो ही वॉज इन कमांड इन रियल कमांड अगर ए बी पी न्यूज़ पर आपने प्रधानमंत्री वाली सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा उस टाइम पे आपका जो फैमिली प्लानिंग था उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया गया ओके और ये हम आज से बात कर रहे हैं तीन से चार डिगेट पुरानी ओके तीस चालीस साल पहले तो पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा फोकस किया जाना एक बहुत अच्छी बात थी लेकिन वहाँ पे जो मीज़र्स यूज किए गए ओके फोर्सड आपका इस तरह से फैमिली प्लानिंग मीजर्स यूज किए गए सो जबरदस्ती आपका स्टरलाइजेशन कर दिया गया नसबंदी जिसे कहते हैं फोर्स फोर्सलाइजेशन वॉज देअ सो देर दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो वो भी रहा लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उस टाइम पे फैमिली प्लानिंग का था तो यहां पर कहा जा रहा है कि फर्टिलिटी जो डिक्लाइन हुआ ओके okay, जो सिक्स था अराउंड अराउंडीन सिक्सटीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन द इंडियन वुमन वॉज हैविंग अराउंड सिक्स चिल्ड्रन ओके एक वुमन को एवरेज सिक्स चिल्ड्रन वहां पे वो था तो वो डाउन आ गया और दैट वाज फोर्स स्टलाइजेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी बेरली लेट टू तो सेवनटीन परसेंट डिक्लाइन ओके तो ये सिक्स से, से अराउंड फाइव पे आ जाता है आपसे छह से पांच पे आ जाता है हम फॉलो कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग अप्रोच ओके फोर्स स्टलाइजेशन को मेजर नहीं मान सकते क्योंकि वो बहुत ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लेता बहुत छोटे टाइम के लेता तो इसको छोड़ देते हैं अभी मेन हम फोकस करते हैं फैमिली प्लानिंग पे कि इंडिया ने इतना ज्यादा फैमिली प्लानिंग की आपने देखा होगा एडवर्टाइज भी आते थे और इस तरह से वॉल के ऊपर लिखा जाता था एंड ऑल ओके दीज आर द मेथड्स एडवर्टाइज रहते थे आपके डीडी नेशनल पे ओके दीज आर सम ऑफ द मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा तो फैमिली प्लानिंग से हमें इस तरह का हुआ लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो पाँच से टू पॉइंट टू पे आ गया ओके okay? ये फाइव से ये जो है फाइव से टू पॉइंट टू पे आ जाता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंडियन वुमन इज हैविंग ओके नाउ अराउंड टू पॉइंट टू तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज अबाउट एस्पिरेशनल रिवोल्यूशन एस्पिरेशनल रिवोल्यूशन व्हाट इज दिस एस्पिरेशनल रिवोल्यूशन दिस इज एज सिंपल एज दैट ओके आपका अर्बनाइजेशन बढ़ा है न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ रहा है गेटिंग दिस और एक जो एस्पिरेशन है ओके एस्पिरेशन टू लिव अ लाइफ ऑफ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने की आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने की कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए और अगर आपके डेफिनेटली नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा हैं सो यू विल नीड मोर रिसोर्सेज ओके फॉर एग्जाम्पल वन फैमिली इज देयर दिस इज एज सिंपल ओके दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस अगर एक फैमिली है थर्टी थाउजेंड उसका इनकम है एंड वन फैमिली आपका जो हस्बैंड वाइफ है प्लस उनके दो चिल्ड्रन है फोर मेंबर्स आर देयर हस्बैंड वाइफ इज देयर एंड दे आर हैविंग फाइव चिल्ड्रन और फोर चिल्ड्रन डेफिनेटली so उनको जो रिसोर्सेज है वो इस तरह से मैनेज करने होंगे डिफिकल्ट होगा तो आज के टाइम पे एस्पिरेशन है किस चीज की uh, कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होना चाहिए एक लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की तरफ हम मूव uh, कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट्स वायद दिस सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी रोल है द जॉब प्रोफाइल्स वे आर गेटिंग अर्बन एरियाज के अंदर इस तरह से uh, काफी आपके कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है ओके okay? रहने की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है यू आर नॉट हैविंग दैट मच स्पेस देयर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो अगर चार चिल्ड्रन आप इस तरह से कर लेते हो ओके फोर बेबीज आर देयर देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि दोनों वर्क कर सकें सो बोथ वर्क करते हैं एंड दे आर हैविंग जनरली वन बेबी और एटमोस्ट टू गेटिंग इट तो ये जो हम दो हमारे दो आपका चल रहा था ओके जो पॉपुलराइज किया गया था हम दो हमारे दो वो हम दो हमारे एक पे आ गया लोगों ने अपने आप एक कर लिया उसको दो से एक हो गया अभी फाइन बिकॉज uh, अभी लोगों को समझ में आ रहा है इन दिस अर्बन कल्चर अर्बन लाइफ स्टाइल दैट इट इज़ नॉट ईजी ओके एज़ फार एज़ अगर हम ये लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको लिमिटेड रखना होगा एटमोस्ट टू है बाकी ज़्यादातर लोग एक पे ही ओके okay, uh, रुक जाते हैं दिस इज अबाउट दिस एस्पिरेशनल रिवोल्यूशन तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ एंड इट हैज प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि शुरू में एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट थे ओके अभी धीरे धीरे चेंज हो गई है आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो रहा है इंडियन इकनॉमी इंडियन इकोनॉमी चेंज हो रही है द वे आर एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग इज चेंजिंग ओके जॉब प्रोफाइल चेंज हो रही है मल्टी नेशनल सॉफ्टवेयर सर्विस ऑल दीज थिंग्स इंक्लूसिवली आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एस्पिशनल रिवोल्यूशन तो यहां पर कहने का मतलब है uh, कि आपका हमने फैमिली प्लानिंग की कितने टाइम तक फोर्स कन्वर्जन एसेट्रा देवर नॉट दैट मच इफेक्टिव रिगार्डिंग दिस एस्पिरेशनल रिवोल्यूशन इसकी वजह से तो so, लोग ऑटोमेटिकली अपने आप ही कर रहे हैं अब यहां पर यह आ रहा है कि अभी भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है दैट इज हियर एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग डेफिनेटली दे आर नाउ अवेयर कि किस तरह से जो पहले क्या होता था लोगों की थिंकिंग थी कि अभी जो ओके okay, जो चिल्ड्रन हैं दे आर नॉट आर रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी एक एक ये आ गया है फीलिंग कि चिल्ड्रन जो है एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी लेके चलना है तो लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो ज़्यादा जो है बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं सिंपल टर्म्स में ये कहा जाए तो गवर्नमेंट को अभी क्या करना चाहिए नाउ द नाउ द मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ दिस अंडरस्टैंडिंग ओके गवर्नमेंट को डेफिनेटली अपना जो हेल्थ सिस्टम है एंड फैमिली वेलफेयर सिस्टम है इसको अपग्रेड करना चाहिए ओके स्पेशली आपकी जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव uh, करना चाहिए क्योंकि जब आपकी आई वगैरह कम हो जाएगी तो लोगों को ये रहेगा कि हाँ एक बच्चा है वो हेल्दी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है या दो बच्चे हैं वो भी हेल्दी रहेंगे पहले ऐसे नहीं होता था पहले आपका आई और ये बहुत ज़्यादा होता था इसलिए लोग बाग ओके okay? कि एक दो तीन चार इस तरह से होता था क्योंकि इन्फांट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था एक रीजन ये हो गया सेकंड यहां पे कहा जा रहा है कि लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके बताए जाए ओके okay? uh, तो जो आपकी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है कॉन्ट्रासेप्शन सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इनको अपग्रेड किया जाए ताकि लोग इनको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर सकें एंड वी विल बी एबल टू सी मोर डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट इसमें आपका और डिक्लाइन हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं एज फार एज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज कंसर्न 2000 में आई थी एंड टोटल आपका जो फर्टिलिटी रेट है इसको रिप्लेसमेंट लेवल पे लाने की बात की गई थी टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 ओके okay. अब यहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है ये मैंने बता दिया राज्यसभा में चल रहा है आ, लेकिन अभी इस पर केवल बिल पेश किया गया अभी एक्ट वर्क नहीं बना है कुछ डिस्कशन नहीं होगा बट यू कैन सी वी कैन एक्सपेक्ट दैट इन द टाइम्स टू कम इस पर डिस्कशन आपके होना स्टार्ट हो चलिए अब यहां से बात करते हैं सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है एनआरसी एनपीआर सेंसस क्या होता है सिंपली आप पॉपुलेशन देख रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है ओके okay? तो सेंसस में पॉपुलेशन के अलावा आप ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन बेस कितना है उनका एम्प्लॉयमेंट क्या है कौन एग्रीकल्चर में काम कर रहा है कौन क्या काम कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में कितने काम कर रहे हैं फाइन ये सब चीजें देख रहे हैं आप तो सेंसस केवल ये नहीं है सेंसस इज नॉट अबाउट सिंपली कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन ओके असरटेनिंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिस इज नॉट दैट ऑनली ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है जिसमें आप पॉपुलेशन तो देख ही रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है उसके अलावा आप क्या क्या देख रहे हैं कि उनका लिटरेसी ओके डेमोग्राफिक्स उनका लिटरेसी लेवल क्या है एजुकेशन uh, हाउसिंग वो कौन से हाउस में रह रहे हैं पक्का हाउस है कच्चा हाउस है किस तरह का हाउस है उनके पास क्या क्या एम्यनिटीज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट वो अगर कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है फाइन फर्टिलिटी मॉर्टैलिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लैंग्वेज रिलीजन माइग्रेशन डिसेबिलिटी सो यू सी ऑल दीज थिंग्स एक्सरसाइज ऑफ सेंसस टेक्स प्लेस जब भी आपकी जनगणना होती है इन सब चीजों को लिया जाता है पॉपुलेशन नंबर के साथ में ये सब चीजें भी होती है. तो सेंसस एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इनडिस्पेंसिबल है ओके okay? अनिवार्य सा ही हो जाता है एज फार एज पॉलिसी मेकिंग इज कंसर्न अब हम बात करते हैं आपका एनआरसी और इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है यू हैव दैट एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड एनआरसी ओके ड्यूरिंग दी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वी एव सीन सो मेनी प्रोटेस्ट रिलेटेड टू दीज थिंग्स फॉर दैट तो देखिए जो एनपीआर है एनपीआर क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी है इनमें बेसिक डिफरेंस ऐसे समझना है कि जो एन है ये पॉपुलेशन रजिस्टर है तो जो भी बंदा इंडिया में रह रहा है चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है ओके चाहे वो फॉरेनर है अगर जो भी बंदा सिक्स मंथ से ज़्यादा इस तरह से रिसाइड कर रहा है किसी भी प्लेस पे तो उन सब का नाम आएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में एनपीआर में किसका नाम आएगा एनपीआर में उनका नाम आएगा जो इंडियन सिटीजन है या बाहर के सिटीजन है बस इंडिया में रह रहा है क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है रेजिडेंस होना चाहिए उसका इंडिया में वो सब आ जाएंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ओके okay? जो कि मोर देन सिक्स मंथ से किसी भी आ, एरिया के अंदर लोकल एरिया में रिसाइड कर रहा है ये तो तो हो गया एनपीआर तो इसका सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है है सिटीजनशिप का मतलब एनआरसी से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में उन्हीं के नाम आएंगे जो कि इंडिया के सिटीजन हैं ओके okay? जो इंडिया के सिटीजन हैं एंड इसमें इंडिया के जो सिटीजन है उनके नाम आ रहे हैं फाइन तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस हो गया अब इनका कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुआ कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुआ जब आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सी ए ए अभी इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि पास के जो कंट्रीज है, जो हैं स्पेशली पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं ओके जो भी माइनॉरिटी में है रिलीजन चाहे वो हिंदुज़म हो ओके क्रिस्चैनिटी हो क्रिश्चनस हो हिंदू हों सिख हैं बौद्ध हैं या जो भी हैं तो वो अगर वहां पे ओके दे आर नॉट एबल टू फ्रीली लिव देअर क्योंकि उनको रिलीजियस बिलीफ की वजह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो वो इंडिया में आ सकते हैं और उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी फाइन तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुआ कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हुआ कि जितने भी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है जो बाहर से आ रही है वो तो इंडिया के सिटीजन हो गए अब यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ओके okay, जो पास के कंट्रीज से हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश से काफ़ी लोग इस तरह से इल्लीगली uh, इंडिया में एंटर किए हुए हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है दैट दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और इस चीज़ को ले कंट्रोवर्सी है कि आपने पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे इसको किया हुआ है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इन द सेंसस और इसी वजह से आपका जो है uh, काफ़ी सारे अटैक हो रहे हैं जो uh, जाते हैं ना आपके जनगणना करने के लिए जो लोग जा रहे हैं अन्यूमरेटर्स आर देयर उन पर बहुत अटैक हो रहा है एंड दिस इज द कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग द सेंसस फाइन सी ए को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यह कॉन्ट्रोवर्सी है और आप देखेंगे अभी कोरोना के बाद में इस पर वापस से जो है इश्यू क्रिएट होगा तो ये बेसिक डिफरेंस uh, हो गया आपका एन पी आर और एन आर सी के अंदर में ठीक है और नवदिशुड भी फाइन इसको जब वापस से न्यूज़ में रहेगा तो उस कंटेक्स में हम डिस्कस करेंगे अभी हमने डिस्कस किया इन द कंटेक्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ दिस दिससेट जर्नल जहां पे एक आ जा रहा है इंडिया की पॉपुलेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नीचे आ जाएगी क्या रीजन है क्यों है ये सब आप देखेंगे सो दिस डिस्कशन विल बी हेल्पफुल व्हेन यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ डिबेट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन स्टेबिलाई पॉपुलेशन कंट्रोल ओके इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं सो एज यू ऑल नो की फ्रंट पेज पर यही रहेगा जितने भी न्यूज uh, पेपर हैं सबके फ्रंट पेज पर आपने ये न्यूज देखी होगी दैट इज कमला हैरिस अबाउट द कमला हैरिस एंड कमला हैरिस टू बी बिडेन्स रनिंग मैट तो इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है पहले प्रेसिडेंट के लिए भी रन कर रही थी ओके okay? बिडेन के अगेंस्ट में जो कि डेमोक्रेट ओके okay? यूएस में केवल दो पार्ट टू पार्टी सिस्टम है एक है वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी एक है रिपब्लिकन पार्टी तो अभी एट प्रजेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हैं और ये जो हैं डेमोक्रेट डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं डेमोक्रेट इनको कहा जाता है और यूएस के अंदर जो अपर चैंबर अपर हाउस होता है जैसे इंडिया में राज्यसभा है तो वहां पे जो अपर हाउस होता है उसे हम कहते हैं सीनेट ओके लोअर हाउस इज देर तो लोअर हाउस और अपर हाउस को मिला के वहां की पार्लियामेंट बनती है तो इंडिया में जैसे लोकसभा लोअर हाउस इंपॉर्टेंट है वैसे वहां पर अपर हाउस इंपॉर्टेंट है सीनेट इंपॉर्टेंट है सो ये अभी क्या है यूएस के अंदर सीनेटर है शी इज अनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया से आपकी सीनेटर है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट uh, हो जाती हैं बिकॉज uh, क्योंकि ये इंडिया इंडिया से इनका ओरिजिन है ओके okay? जो कमला हैरिस हैं इनकी मदर जो हैं वो इंडिया से रही हुई हैं एंड शी हर नेम वाज श्यामला गोपालन ए कैंसर रिसर्च ओके कैंसर रिसर्च रिसर्चर फ्रॉम चेन्नई और इनके जो फादर हैं दैट वाज द प्रोफेसर फ्रॉम जमैका जमैका से इनके फादर हैं और चेन्नई से इनकी मदर है तो इंडिया का ऑरिजन यहाँ पे देखा गया उस कंटेक्स में ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है एंड ये जो है कमला हैरिस जो है शी वुड बी द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन डिसेंट एंड ब्लैक वुमन टू बी टू बी ऑन द प्रेसिडेंशियल टिकट ऑफ ए मेजर पॉलिटिकल पार्टी अभी टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात है ओके okay? uh, जो कि ब्लैक वुमन है या जो इंडियन ऑरिजन की वुमन है उन लास्ट टाइम आपने देखा जो अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन ऑरिजन था बराक uh, ओबामा का वो इस तरह से प्रेसिडेंट बने थे कंजिक्यूटिव टू टर्म्स के लिए सो कमला हैरिस विल बी द फर्स्ट ब्लैक एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमन टू रन फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल ऑन अ मेजर पार्टी एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड न्यूज देखेंगे आप एक और यहां पे न्यूज है जिसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरह से वो अटॉर्नी रही हैं ओके okay, और उन्होंने एफिशिएंटली वर्क किया ओके टू अपहोल्ड द क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म एंड चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देख लेते हैं एनआरआई में क्या डिफरेंस होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन एनआरआई में क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन क्या है दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या बेसिक डिफरेंस है ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज शी विल शी विल कम अंडर दैट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन ओके पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन में ये रहेंगी सो शी विल बी द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन डिसेंट टू बी नॉमिनेटेड फॉर अ नेशनल ऑफिस बाई ए मेजर पार्टी शी हेज़ बीन इन दीनेट सीनेट जो कि अपर हाउस है जैसे यहाँ राज्यसभा होती है आ वैसे वहाँ पे सीनेट है तो सीनेट इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन लेकिन आ वहाँ पे जो अपर हाउस सीनेट का इंपॉर्टेंस है वहाँ पे यूएस में जो सीनेट का इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे लोकसभा के इंपॉर्टेंस के बराबर है जैसे यहाँ पे लोकसभा का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कंपेरेटिवली चुनाव इलेक्शन के लिए ओके तो राज्यसभा आपका एक अलग चैंबर है तो जैसे लोकसभा का इंपॉर्टेंस होता है वैसे वहाँ सीनेट का इंपॉर्टेंस है तो वो एक तरह से आप कह सकते है, हैं एम हैं लोकसभा की इन दैट सेंस जिनको समझ नहीं आ रही है वहां की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो सीनेटर रह चुके हैं वो टू थाउजेंड सिक्सटीन से कंटिन्यूसली सीनेटर हैं एंड शी इज ए मॉडरेट ओके शी हेज बिन वोकल रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट इशूज एंड ऑल फाइन तो इन इशूज पे वो वोकल रही हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है एंड अटॉनी uh, जनरल uh, के रूप में वो रह चुके हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है इन्फ्लूशल पोस्ट होती है एज फार एज यू एस एज कंसर्न वहाँ पर ये रह चुके हैं सीनेट में 2016 से हैं एंड लेट अस सी हाउ द थिंग्स गोज अभी एन क्या होता है क्या ये एन के अंडर में आएंगी एन uh, आर क्या है uh, देखिए एन जो बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है वो टैक्स पर्पज़ के लिए यूज की जाती है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एन जो पर्सन होता है वो टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है और क्योंकि जो इंडियन रेजिडेंट है ओके okay, एन का क्या मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन तो एक होता है रेजिडेंट इंडियन जैसे कि हम लोग हैं एक होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन तो दोनों के लिए अलग अलग टैक्स के प्रोविजन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नॉन रेजिडेंट रेफर्स टू ओनली फॉर द टैक्स स्टेटस ऑफ द पॉप सन विक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है फाइनेंशियल ईयर in in मतलब कम से कम आपको छ महीने यहां पर हम कह सकते हैं इस तरह से रहना पड़ता है इन फाइनेंशियल ईयर एंड स्प्रेड आउट ओवर फोर कन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड एटलीस्ट सिक्सटी डेज इन दैट ईयर तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है कि किस बेसिस पर आप कैटेगराइज कर रहे हैं ओके रेजिडेंस इन इंडिया को तो so, इंडिया में जो रेजिडेंट होंगे उनको इस बेसिस पे क्राइटेरिया दिया गया है और बाकी इससे कम जो रह रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा नॉन रेजिडेंट सो नॉन रेजिडेंट रेफर्स टू द टैक्स स्टेटस क्योंकि उनका टैक्स अलग लग रहा है जो रेजिडेंट है इंडिया में उनको अलग टैक्स देना पड़ रहा है एनआरआई को अलग टैक्स देना पड़ रहा है एनआरआई के अकाउंट वगैरह ये सब अलग मैनेज होते हैं तो ये एनआरआई अकाउंट वगैरह हो गया ये आपका उसमें आ जाता है ओके कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उसमें आएगा तो उनका टैक्स पर्पस अलग है उस वजह से इसको किया हुआ है इनकम टैक्स आर डिफरेंट फॉर पर्सन हु आर रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु आर नॉन रेजिडेंट मीन्स एनआरआई इन इंडिया तो ये तो हो गया आपका एनआरआई का Uh, any Indian citizen who does not meet the criteria as the resident of India is a non-resident Indian and treated as NRI for paying the income tax. जो इस criteria को meet नहीं कर रहा है वो आपका NRI हो जाएगा. Fine. अब आते हैं हम person of Indian origin पे. ये important हो जाता है person of Indian origin. तो person of Indian origin में जैसे कि Kamala Harris का हम case ले रहे हैं. तो यहाँ पे इनकी जो mother हैं उनका Chennai से origin है.

इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेप्शन है वहाँ को छोड़ दीजिए एंड इफ ही और शी एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट तब वो आ सकते हैं और ठीक है ना अब थर्ड केस आ रहा है जिसमें कमला uh, हैरिस वाला केस आएगा दैट इज ही और शी ईधर ऑफ हर पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रांड पेरेंट वॉज अ सिटीजन चाहे उनके पेरेंट्स हो या उनके ग्रांड पेरेंट्स हो वो इंडिया के सिटीजन रहे हों बाय दर्च्यू ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेटिंग दिस तो यहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दीजिए अब जो बंदा है जो इंडिया का आज सिटीजन नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रह चुके हैं या उनके ग्रांड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रह चुके हैं तो वो सारे किसमें आ जाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन लाइक द कमला हैरिस इस्पाउस का केस भी है अब ये एन आर आई और यह सब चीजें आ जाएंगी तो इन इंडिया एंड ओके इन इंडिया एंड आर ऑल्सो दिज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन आर ऑल्सो फॉर सच पर्पजेज आर कॉल्ड द जेनरिक नेम एज द एन आर आई एज ए एन आर आई उनको जनरल नेम से भी बोल दिया जाता है थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना बेसिक डिफरेंस है नेक्स्ट पार्ट दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड ओके बिफोर बिफोर दिस लेट मी जस्ट टेक यू दिस यूज ऑफ नियोनिकोटीनोइड ओके फाउंड टू रिड्यूस सम बर्ड पॉपुलेशन तो ये जो आ, वैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा वट इज दिस नियो निकोटिनॉइड्स ओके यूज़ ऑफ नियो निकोटीनोइड्स आपकी जो बर्ड पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं सो दिज आर सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे आपका बर्ड पॉपुलेशन uh, वो हो रहा है एंड सिमिलरली काफ़ी सारे आपके केमिकल होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था एक ग्लाइफ इज देयर ग्लाइफ इज देयर जिसको जर्मनी ने बैन कर दिया था जो कि एक तरह का हर्बी uh, साइड था फाइन हर्बी साइड था और उसको भी एक बैन कर दिया गया है बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग सम निगेटिव इफेक्ट ऑन देल्थ ऑफ द इकोसिस्टम तो इसी तरह से आपके नियोनिकोटीनोइ्स uh, हैं दीज आर देस्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं ये पेस्ट जो होती है उसको uh, uh, इस तरह से हटाते हैं यूज ऑफ नियोनिकोटीनाइट पेस्टिस्टीसाइड्स द फार्म क्रॉप लीड्स टू रिडक्शन इन द समन समय फाइन द फोकस स्पेशली ऑन दर टू थाउजेंड एट टू फोर्टीन की ये स्टडी है इस टाइम पे आपके ये जो पेस्टिसाइड थे नियोनिकोटिनोइड इनका यूज किया गया और ये यूज इस पीरियड के अंदर इंक्रीज हुआ ओके एज अदर पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड बैन और इसकी वजह से जो है आपका काफी सारे बर्ड की पॉपुलेशन को निगेटिवली इम्पैक्ट किया गया है एंड इफ दे सी दीज आर द नंबर्स नो नीड टू गो इन टू दैट मच डिटेल इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन नॉन टारगेटेड स्पीशीज इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन नॉन टारगेटेड स्पीशीज मतलब पेस्टिसाइड जो है आपका टारगेटेड स्पीशीज जिस पेस्ट को किल करने के लिए इस तरह से यूज किया जा रहा है उसके अलावा वो दूसरी एनिमल uh, या बर्ड पॉपुलेशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है दिस इज नॉन एज द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन नॉन टारगेटेड स्पीश मतलब उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है जैसे आपने कोई मेडिसिन लिया तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो वो uh, इसको क्या कहते हैं एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट जो इफेक्ट आपको चाहिए उससे अलग इफेक्ट हो रहा है लाइक like दिस

रादर दैन बर्ड्स लिविंग इन द फॉरेस्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि ग्रास लैंड होते हैं पे पर इंटरस्पर्स होता है एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं फॉरेस्ट एरिया में कंपेरेटिवली इतना एग्रीकल्चरल फील्ड नहीं होगा तो पेस्टिसाइड का यूज ग्रास लैंड पे ज्यादा होता है और ग्रास लैंड जो होते हैं ग्रास uh, लैंड में एज इफेक्ट देखा जाता है आपका ग्रास लैंड जो होते हैं एक तरह का वट इज दिस ग्रास लैंड एक तरह का इक्को आपका टोन रीजन में आते हैं ग्रास लैंड आपका फॉरेस्ट है फॉरेस्ट है और यहां पे आपका डेजर्ट है दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है इस फॉरेस्ट की एज और डेजर्ट की एज एज ओके एज क्या होगी ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड को क्या कह देंगे आप इकोटोन यहां पे क्या देखा जाएगा एज इफेक्ट क्या होता है एज इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी यहां पे ज्यादा मिलेगी यहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी आपको और क्या एग्जाम्पल होता है जैसे आपके मैंग्रूव है मैंग्रोव क्या है इधर आपका लैंड है और इधर आपका सी है और यहां पर क्या है मैंग्रोव तो वहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है सो so, इसी तरह से आपके ग्रासलैंड में बायोडायवर्सिटी इतनी ज्यादा होगी कि उसका जो नुकसान हो रहा है इन पेस्टिसाइड्स का जो नुकसान हो रहा है दैट विल बी मच हायर सो ग्रासलैंड लैंड बर्ड सफर मोर बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू कंज्यूम सीड्स दैट हैव बीन स्प्रेड विद द पेस्टिसाइड्स तो पेस्टिसाइड वहां पे जो एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज किया जा रहा है उससे इनको नुकसान होगा ज्यादा ये कहां पे देखा गया है ज्यादा ये जो नियोनिकोटिनॉइड है इनका यूएसए के अंदर साइड इफेक्ट देखा जा रहा है फाइन डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म कर रहा है एंड दिस हैज़ बिन हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इंसेक्ट इंक्लूडिंग हनी बीज ओके हनी भी आपकी इंपॉर्टेंट है अगर आप सोचिए हनी भी इस तरह से uh, नी बी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है क्वेश्चन था आईएस की प्रॉब्लम uh, एग्जामिनेशन में सपोज हनी बी पॉपुलेशन इज वाइप आउट फ्रॉम द अर्थ तो क्या होगा ओके okay, तो uh, आपके जो प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा पॉलिनेशन नहीं होगा तो इस तरह से क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा सॉरी फॉर दैट तो ये सब चीजें हैं इसके अलावा जो नियो नियोनिकोटीनोइा ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहा है ओके वहां पे भी नेगेटिव इसके हैं एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो गया जीन एक्सप्रेशन हो गया कहने का मतलब है बर्ड्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी उसके हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं चलिए इसी इसकी के साथ में 2018 में मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन एग्रीड ऑन ए टोटल बैन ऑन द नियोनिकोटीनॉइड इंसेक्टिसाइड ओके ये जो है इनपे यूरोपियन यूनियन ने बैन करने की बात की थी 2018 के अंदर इसके अंदर जो आपका नियोनिकोटिनॉइड कैटेगरी है इसके तीन आपके कंपाउंड हैं दैट इज क्लोथियानीडिन एंड इमिडाक्लोप्रिट एंड थाजाम थाजाम तो ये जो नियोनिकोटिनोइड्स हैं इनकी कैटेगरी में इन तीनों को बैन किया गया था लेकिन और भी काफी सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं पेस्टिसाइड हैं जिनका यूज किया जा रहा है फाइन सो डेफिनेटली विल हैव हैव टू टू अ लुक इन दिस इशू एंड एंड लेट्स कम साइंस टेक तो साइंस एंड टेक पे अगेन आपका है बे, बेबी मिल्की वे तो मिल्की वे क्या होता है पहले उसको समझिए वट इज दिस ये किसका पिक्चर है ये मिल्की वे जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द पिक्चर ऑफ आर ये हमारी होम होम गैलेक्सी ओके दिस इज दिस इज़ वेयर वी डू लिव ये आपका क्या है मिल्की वे है मिल्की वे है uh, जिसे आकाश गंगा कहते हैं फाइन तो इस तरह की गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और यहाँ पे हम कहाँ पे प्रेजेंट हैं वी uh, आर हियर ये गैलेक्सी है ये गैलेक्सी का सेंटर है एंड दिस इज़ आर सोलर सिस्टम लाइक दिस डॉट एक सिंगल डॉट की तरह पूरी गैलेक्सी में एक सिंगल डॉट की तरह ये हमारा सोलर सिस्टम है ये जो सन लिखा हुआ है यहाँ पर गेटिंग दिस ये पूरा आपका गैलेक्सी है इतना बड़ा तो इस ये जो हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में उसको हमने नाम दिया आकाशगंगा या मिल्की वे अब ये मिल्की वे तो हो गया अब एक बेबी मिल्की वे जो है डिस्कवर किया गया है इस पर हम बात करेंगे क्या है ये बेबी मिल्की वे डिस्कवर ट्वेल्व बिलियन लाइट ईयर्स अवे मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो ट्वेल्व बिलियन लाइट ईयर्स अवे मतलब लाइट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा ओके ट्वेल्व बिलियन ईयर्स ट्वेल्व बिलियन ईयर्स में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है अब लाइट की स्पीड मुझे बताइए कितनी होती है वट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इतनी दूर है मतलब बहुत ज्यादा दूर है और इसकी जो पिक्चर है वो कवर की गई है उस कंटेक्स में हम बात कर रहे हैं ये आपकी मिल्की वे है इसका जो सेंटर है ये मैंने कई बार बताया है सेंटर के अंदर ओके okay, एक मासिव सुपर मासिव ब्लैक होल है ब्लैक होल है और उसको हमने क्या नाम दे रखा है आपका जो सुपर मासिव ब्लैक होल है इसको नाम दिया हुआ है सेजिटेरस ए सेजिटेरस ए इसको नाम दिया हुआ है दिस इज अपर मासिव ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी गेटिंग इट अब ये जो पूरी गैलेक्सी दिख रही है इसका ये जो आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना जो विजिबल है पार्ट दैट इज ऑनली टेन परसेंट ऑफ दिस टोटल मास मान लीजिए इस गैलेक्सी का वेट जो है हंड्रेड के जी है हंड्रेड के जी है तो ये जो आपको दिख रहा है ये केवल टेन के जी ही है बाकी जो नाइनटी के जी है या जो नाइनटी परसेंट ऑफ दैट मास इज देयर विच इज नॉट विजिबल ओके सो ऑफ द मास ऑफ दिस गैलेक्सी इज नॉट विजिबल एंड वी कॉल दैट मैटर डार्क मैटर जो आपका विजिबल नहीं है क्योंकि, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है ओके okay. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है सो so उसको हम क्या कहते हैं आपका डार्क मैटर कहते हैं नॉट एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट काउंट्स अराउंड नाइनटी परसेंट ऑफ द टोटल मॉस तो ये अभी हमारे लिए मिस्ट्री है नाइनटी परसेंट क्या चीज है डार्क मैटर अभी हमारे लिए मिस्ट्री है चलिए आते हैं ये जो स्टडी किया गया है आपके डिस्कवरी है बेबी जो गैलेक्सी की बात की जा रही है बेबी मिल्की वे की इसको नाम दिया गया है दिस नेम इज देयर नो नीड टू रिमेंबर दिस कंप्लीट नेम कि क्या नाम है ये नहीं पूछेगा आ, क्योंकि uh, इस तरह के नाम जनरली नहीं पूछता है जस्ट टू मेक यू अवेयर कि क्या इंपॉर्टेंट है देखिए uh, यहाँ पे जो टेलीस्कोप है uh, जिसने ये पिक्चर आपके लिए है जो चिली के अंदर था आपका अलमा रेडियो टेलीस्कोप अल्मा रेडियो टेलीस्कोप चिली के अंदर सिचुएटेड है जिसने अभी प्रोटॉन स्टार न्यूट्रॉन स्टार को जो है आइडेंटिफाई किया था उसी कंटेक्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइन सो अल्मा रेडियो टेलीस्कोप इज देयर इन द चिली इसने इसको आइडेंटिफाई किया है इसकी पिक्चर ली है और ये जो पिक्चर है ये बहुत पुरानी हो जाती है क्यों क्योंकि आपके ट्वेल्व आपके कितना टाइम लग रहा है ट्वेल्व बिलियन लाइट ईयर्स इतना टाइम आपको लग रहा है तो हमारे पास में जो पिक्चर आएगी वो गैलेक्सी की वो कितनी पुरानी होगी ट्वेल्व बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी होगी इससे जो यूनिवर्स का इवोल्यूशन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब शुरू शुरू में बिग बैंग हुआ ओके बिग बैंग शुरू में क्या हुआ बिग बैंग ऑसम एक्सप्लोजन ऐसा कहा जाता है शुरू में एक ये पॉइंट था फिर इसमें ऑसम awesome एक्सप्लोजन होता है जिसको बिग बैंग कहते हैं और उसके बाद हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस uh, में आता है तो उस टाइम पे जो बिग बैंग हो रहा है उसके शुरुआती टाइम पे कैसे गैलेक्सीज फॉर्म हो रही थी उस बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ओके okay? और कौन सी टेक्निक से ये हमें मिल रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग में पढ़ा चुका हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है डिटेल में पुराना सेक्शन है उसको देख लेना एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब है कि आपका जो दूर, दूर की जो गैलेक्सीज हैं वो इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हैं लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हैं अब बीच में कोई मास है जो कि जैसे ब्लैक होल हैं वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन उनके अंदर क्या है ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की वजह से ये जो इस तरह से लाइट को डिस्टॉर्ट करते हैं लाइट को डिस्टॉर्ट करते हैं और हमें इमेज मिल जाती है ब्लैक होल्स कहाँ हैं डार्क मैटर कैसे इनके बारे में हमें इमेज मिलती है तो उसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं तो ये जो डिस्कवरी है बेबी गैलेक्सी वाली इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द अर्ली यूनिवर्स की अर्ली यूनिवर्स कैसा था अर्ली यूनिवर्स में नॉट बी एज केओटिक एज वंस बिलीव्ड फाइन And raises many question on how a well ordered galaxy could have formed soon after the Big Bang. Big Bang के बाद में कैसे हमारा universe बना उस context में ये important हो जाता है चलिए So this should be fine। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हॉर्न बिल की तो जो बच्चे एम सी क्यू सीरीज़ चल रही थी आपकी 8 पी वाली वहाँ पे थे तो मैंने हॉन बिल आपको कराया था ओके okay, हॉर्न बिल इस तरह से दिखाई देता है एंड हॉर्न बिल की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं अगर हम बात करें तो ये जो है आपका सब सहारन अफ्रीका इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड फिलीपींस फिलीपींस में बहुत सारे मिलते हैं स्पेशली जो सबसे रेयर स्पीशीज हैं एंडेंजर्ड जो हैं इसकी सब स्पीशीज हैं हॉर्नबिल की वो वहां पे मिलती हैं सोलोमन आइलैंड्स आर देयर यहां पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है अब बात करते हैं हॉर्नबिल की सो फॉरेस्ट क्लॉस्ट थ्री द हॉर्नबिल बात की जा रही है तो डेफिनेटली इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे हॉर्नबिल को नुकसान हो रहा है फाइन अब इसी से रिलेटेड एक है दैट इज कि आंध्र प्रदेश में आपका है ख टाइगर रिजर्व है या पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आपके हॉर्नबिल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं ओके हॉर्नबिल बहुत ज्यादा मिलते हैं और इसको हॉर्नबिल अडोप्शन प्रोग्राम के अंदर भी इंक्लूड किया गया है पक्के टाइगर रिजर्व दिस इज द लोकेशन ऑफ द पक्के टाइगर रिजर्व या पक्ु टाइगर रिजर्व ये देखिए आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड है ओके नॉर्थ ईस्ट रीजन है अरुणाचल प्रदेश में ये पक्की पक्के और पक्ु टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उन्होंने फर्स्ट स्टेट का फर्स्ट कंजर्वेशन फेस्टिवल स्टार्ट किया स्टेट्स ओनली कंजर्वेशन फेस्टिवल पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये याद रख लेना इसलिए करंट अफेयर में था स्टेट का फेस्टिवल है कंजर्वेशन से रिलेटेड पहला फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का हॉर्नबिल की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए फाइन सो दिस इज ऑल सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज ओके एंड दिस इज़ द नंबर एनी काइंड ऑफ कैरी यू कैन कॉल एट दिस नंबर एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल